हेलो गाइस, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हैकर वॉइस। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक डीसी फराटा फैन। तो दोस्तों, डीसी फराटा फैन के अंदर हम एक मोटर लेने वाले हैं जो कि प्योर डीसी है और 775 इसके नंबर है, 775 मॉडल नंबर इसका। हम यही मोटर इसके अंदर काम में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका प्रोपेलर है वो भी हम घर पर बनाने वाले हैं, सिंपली एक 63 mm के पाइप से। तो दोस्तों, पाइप आप देख सकते हैं, इसको कटिंग करके बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको एक फ़ैन दिखाया था, वो फ़ैन ये रहा, आप देख सकते हैं, जो कि अभी अच्छी कंडीशन के अंदर है। तो आज हम उससे एक बड़ा फ़ैन बनाने वाले हैं और उससे बड़ी एक मोटर होने वाली है। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रोपेलर बनाने से पहले सबसे पहले मैं एक PVC पाइप की आवश्यकता है, जो हमारे पास 63 mm का है। तो दोस्तों, इसे प्रोपेलर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसे यहाँ सेंटर से काटना है और इसे हीट देकर फ्लैट कर लेना है, जो कि दोस्तों हमने पहले ही है वो सेटअप पूरा कंप्लीट कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद है फिर मार्किंग की बारी। तो मार्किंग हम आपको बता देते हैं किस प्रकार करनी है। तो दोस्तों, इसे रखते हैं साइड में। तो दोस्तों, बारी मार्किंग की, तो मार्किंग हमने पहले ही कर ली थी जो इस प्रकार से है। तो दोस्तों, ये इसकी फुल साइज़ है और फिर हमने एक यहाँ से सेंटर निकाल लिया इसका। तो दोस्तों, हमने ब्लेड की चौड़ाई है वो 4 mm रखी है, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार है यहाँ पर। और दोस्तों, ये जो इसका जो सेंटर है वो हमने 6 cm का रखा है। तो दोस्तों, अब बारी इसकी कटिंग की। तो चलो कटिंग करके और दिखाते हैं। तो दोस्तों, प्रोपेलर जो हमने आपको कल दिखा दिया था कि हमने किस प्रकार से इसकी कटिंग की है, दोस्तों अब इसको किस प्रकार से हमने असेंबल किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, पहले हमने इसके सेंटर में एक होल निकाल लिया है, फिर इसके अंदर एक लकड़ी का गुटका लगा दिया है, जिससे कि ये कनेक्टर बन जाए और जो मोटर की शाफ्ट है इसके अंदर आसानी से फिट हो जाए। तो दोस्तों, इसको ये हमने शेप दी है वो हमने गर्म करके इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया है यहाँ से, और यहाँ पर दो पेज लगा दिए ताकि ये लकड़ी का गुटका है ये हिले ना और प्रॉपर जो ब्लेड है वो काम कर सके। तो दोस्तों, हमने दो ब्लेड है वो तैयार कर लिए, एक गुटके वाली और एक बिना गुटके वाली, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इसकी टेस्टिंग दिखाने वाले हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास करंट है वो DC वोल्ट है, और वो भी सोलर पैनल वाला, वो आप देख सकते हैं ये तार है वहाँ से आए हुए हैं। दोस्तों, हमारे पास दो सोलर प्लेट है जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है ताकि हमें पावर वो अच्छे से अच्छी मिल सके। दोस्तों, इसकी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें ये ब्लेड है ये लगानी है, तो इसके अंदर लगा देते हैं, अच्छी सी लग चुकी है। माइक वाला तार हमने पहले लगा दिया था, अब एक वायर है वो लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए इधर हमारे पास में एक पर्दा लगा हुआ है, उसको हम आपको डेमो दिखाते हैं। तो दोस्तों, डेमो आपने देख ली है, तो इस प्रकार का फोटो ग्राफ देखने का घर मंगवा सकते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी हवा है वो काम में दे सकते हैं आप। दोस्तों, अब इसको निकालते हैं और दूसरी ब्लेड है उसका हम आपको डेमो दिखा देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ब्लेड उसका नहीं है, तो हम बाहर में खींच सकते हैं, पहले हम आपको डेमो दिखा देते हैं। को देखकर महसूस कर सकते हैं कि ये जो ब्लेड है वो कितनी तेज हवा दे रही है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पर ऐसी ब्लेड वो बना सकते हैं और गर्मियों में इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मोटर को चलाने के लिए आपके पास 12 volt है वो अवेलेबल होने जरूरी है, वो बैटरी भी हो सकती है या फिर सोलर प्लेट भी हो सकती है। जैसे कि हमने आपको बताया हमारे पास एक सोलर प्लेट है, मोटर पर वो चला रहे हैं। तो दोस्तों, फिर आज की वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।